इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि हम अपने हैंगआउट्स अकाउंट से, गूगल हैंगआउट्स अकाउंट से लॉग आउट कैसे हो सकते हैं। यहाँ पर एक साइड इफ़ेक्ट है इसका, जो कि मैं यहाँ पर आपको वीडियो में पूरा बताऊंगा कि क्या क्या प्रॉब्लम होती है, साइड इफ़ेक्ट्स क्या है, लॉग आउट कैसे कर सकते हैं, ये भी आपको बताऊँगा। तो वीडियो को आप पूरा ज़रूर देखिएगा। इसके लिए जो है सबसे पहले आपको अपने फ़ोन की जो है सेटिंग्स में जाना होगा। फ़ोन की सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पर आपको नीचे जाना होगा। नीचे जब जाएंगे तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखाई देगा SYNC, ये जो सेटिंग्स है स्कैनिंग की सेटिंग्स है, इसको खोल लेना होगा आपको। जैसे ही आप इसको खोलेंगे यहाँ पर आपको दिखाई देगा गूगल, तो गूगल को भी आपको खोल लेना है। और जैसे ही गूगल को आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत सारी सेटिंग्स दिखाई देगी, तो यहाँ पर आपको मोर पर क्लिक करना है और यहाँ से रिमूव अकाउंट कर देना है। जैसे ही आप रिमूव अकाउंट करेंगे वहाँ पर आपका लॉग आउट हो जाएगा हैंगआउट्स के अंदर से। अब प्रॉब्लम यहाँ पर दो हैं, आप उसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे जब तक आप उसमें लॉगिन नहीं कर पाएंगे किसी आईडी से। और दूसरी बात, यहाँ पर प्रॉब्लम ये भी है कि अगर आप यहाँ से रिमूव अकाउंट करते हैं तो पर्टिकुलर आपका हैंगआउट से ही रिमूव नहीं होगा आपका अकाउंट, लॉग आउट हैंगआउट से नहीं होगा, प्ले स्टोर, यूट्यूब, हर जगह से आपका रिमूव हो जाएगा। तो इसकी प्रॉब्लम, लेकिन बाद में आप उसको एक्सेस कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम आपको नहीं होगी। आप कहीं पर भी कुछ भी एक्सेस करना चाहें तो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा प्रोसेस था बस इसका। अगर यहाँ पर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।